नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। जो देखा सो देखा। देखते रहिए यूबीएन 08। जिला रतलाम से विक्रम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। मंगलवार दिन दहाड़े स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत राजस्व कॉलोनी में महिला के गले से सोने की चेन काट कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। नए पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले का खुलासा करते और थाना इसमें स्टेशन रूम है उसके अंदर ऐसी घटना हुई और एक बुजुर्ग महिला से आरोपी ने उनके गले में चेन खींची और वहां से भाग गया। इनफैक्ट उसमें हमारी टीम तत्काल इसमें एक्टिव हुई, साथ में स्टेशन रोड थाना प्रभारी उनके साथ पूरे थाने का स्टाफ है, CSP साहब और एडिशनल SP साहब के इसमें नेतृत्व में तत्काल इसमें टीम्स निकाली गई और स्थानीय जो हम लोगों को मिला आसपास की चीज़ों की तस्दीक करते हुए और कुछ पुख्ता सबूत इसमें सबूत मिले हैं, जिससे कि हम लोगों ने कल रात तक ही आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से जो लूटी हुई चेन है वो भी तत्काल बरामद की गई है। साथ में इसमें भागने के लिए जो उपयोग की गई थी, जो वाहन उपयोग में लाया गया है वो भी इसमें जब्त किया गया है। इस तरह की घटनाएँ शहर में ना हो इसके लिए तत्काल हम लोगों ने जो टीम्स बनाई हुई हैं और जो हमारा मुखबिर तंत्र है उसको भी मजबूत और किया जा रहा है और इनफैक्ट मुझे लगता है कि कल की इस त्वरित कार्रवाई से हमारी टीम का जो एक इफेक्टिवनेस है वो भी देखने में आया है। तो मेरी जो पूरी टीम है, हमारे थाना प्रभारी हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें कार्रवाई को पूरे से रखे दूसरे वाइल्ड लाइफ साथ में हमारी साइबर टीम और भी कंट्रोल रूम में भी और जो हमारे स्पेसिफिक ऑफिसर्स हैं पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। सभी को मैंने 10,000 रुपये का एक